इस उरूज को जवाल है मेरे बंदो, और ये उसूल अल्लाह रोज सिखाता है हमें कि ताकत अगर है तो वो अल्लाह के पास है। कि मादी जो जिंदगी है इंसान की, जिसमें अल्लाह ताला ने इंसान को जिस्मानी ताकत दी हो, सियासी ताकत दी हो, माशरती ताकत दी हो, खानदानी ताकत दी हो, प्यार हो, प्यार मौजूद है जी, एक कॉल करूंगा फुला थाना भी इंगेज हो जाएगा, एक कॉल करूंगा 50 बंदा आ जाएगा, एक कॉल करूंगा 200 क्लैशेस निकल आएंगी। तो अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि एक वक्त के बाद इस उरूज को जवाल है मेरे बंदो, याद रखना। और ये अल्लाह ने इस कायनात का उसूल बनाया है, और ये उसूल अल्लाह रोज सिखाता है हमें। अल्लाह ने जब ये आयत रखी है ना कुरान में कि इन्ना फिख्तिलाफ लैली व नहार, है मेरे बंदो ये रात और दिन का जो फेर है, आना जाना है, और जो कुछ अल्लाह ताला ने इस आसमान के अंदर बनाया है, ला या दिन, उसमें बड़ी निशानी है, ये बताने के लिए कि सूरज बहुत ताकतवर है। एक दुनिया की कौम ने इसकी परस्तिश की है, लेकिन जब ये शाम होती है तो ठंडा पड़ जाता है। इसी शहर के अंदर जो ताकत का महवर समझे जाते थे, आज आप देखें बेबसी का आलम है उनका। क्या इंसान इसको कुछ नहीं देख रहा, इंसान से कोई अकल नहीं ले रहा, उसका शऊर उसको समझा नहीं रहा कि ताकत अगर है तो वो अल्लाह के पास है। तुमने अगर तवक्कुल करना है, इस उस्बा पे तवक्कुल ना करो, इस पैसे पे तवक्कुल ना करो। 2009 का धमाका देखा है कराची ने, जब बड़े बड़े देने वाले हाथ अगली सुबह मांगने वाले हाथ बन गए थे, क्या तुम भूल गए? अगर तुमने तवक्कुल करना है, वतवक्कल अलल हय, उस जिंदा जावेद जात पे तवक्कुल करो अल्लाह के बंदो, अल्लज़ी ला यमूत, जो मरता नहीं है, जिसको जवाल नहीं आता, जिसके खजानों में कोई कमी कोताही नहीं होती, बल्कि वो तो कहता है जिस दिन से मैंने कायनात बनाई है और मैं खर्च कर रहा हूँ और मेरे खजानों के अंदर कोई कमी नहीं होती। तो तवक्कुल करना है, एतमाद और भरोसा करना है तो उसके ऊपर करे जो सात आसमानों के ऊपर है, जो मुस्तवी अलल अर्श है, जो बुलंद है, आहिर फौका इबादी, अपने बंदों से बहुत बुलंद बाला है। ला तखुज़ू सिनतुन वला नौम, जिसको ना नींद आती है ना ऊंग आती है, जो ना थकता है, जो हर जुबान को जानता है, 24/7 जानता है, दिल में कहीं भी बात को भी अच्छे तरीके से जानता है, जुबान से कहे हुए अल्फाज को भी अच्छे तरीके से जानता है।